क्या सच में माता सीता रावण की पुत्री थी? और किसने दिया था रावण को इतना भयंकर श्राप जो उसकी मृत्यु की वजह बनी? आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि किस वजह से हुआ था माता सीता का जन्म। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में माता सीता के जन्म की कथा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। रामायण में माता सीता को जानकी कहकर भी बुलाया जाता है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और खुद भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। जबकि माता सीता के जन्म को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। जबकि कहीं कहीं इस बात का भी जिक्र मिलता है कि माता सीता लंकापति रावण की पुत्री थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर माता सीता का जन्म कैसे हुआ था? तो चलिए इस खबर के जरिए हम आपको बताते हैं माता सीता के जन्म से जुड़ी दो पौराणिक कथाओं के बारे में। पहली पौराणिक कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार, एक बार मिथिला में पड़ी भयंकर अनावृष्टि से राजा जनक बहुत ही परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। इस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती को जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता का नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। जबकि वही माता सीता के जन्म से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि माता सीता लंकापति रावण और मंदोत्री की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वो उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को खुश करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। और कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां वेदवती तपस्या कर रही थी, और वेदवती की सुंदरता को देखकर रावण उस पर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती साथ जाने से इनकार कर देती है। वेदवती के मना करने पर रावण को गुस्सा आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण भी बनेगी। कुछ समय के बाद मंदोत्री ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से डरे हुए रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया, जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न करवाया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया, और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। माता सीता का जन्म जिससे ये दोनों पुरानी कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें से कौन सी कथा सच है और कौन सी कथा सच नहीं है, इसका रहस्य तो खुद भगवान राम ही जानते हैं।